हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। हम लोगों ने फाइल में एमएस वर्ड में होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग लिस्ट इतना पढ़ लिया। आज हम पढ़ते हैं रिव्यू। ठीक है, तो पहले एक हम लोग डॉक्यूमेंट ओपन कर लेंगे। कोई भी एक डॉक्यूमेंट हमने यहाँ पर ओपन कर लिया है। ठीक है, इस डॉक्यूमेंट को हमने यहाँ पर ओपन किया। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें आप रिव्यू में जाएंगे। रिव्यू आज हम लोग पढ़ेंगे, तो ये बहुत ही अच्छा फीचर होता है रिव्यू। इट इज़ यूज टू रिव्यू योर डॉक्यूमेंट। रिव्यू का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ फाइनल करने से पहले आप उसको एक बार देख लें। ठीक है, यानी जस्ट हैव अ लुक बिफोर प्रिंटिंग द डॉक्यूमेंट। ओके, तो इसके लिए सबसे पहले आपको जाना कहाँ पर है, आपको यहाँ पे जाना है रिव्यू पे क्लिक करना है। जस्ट क्लिक ऑन रिव्यू। ओके, और उसके बाद ये रिव्यू है, आपको दिख ही रहा है यहाँ पर। इसमें आपको करना यह है, जैसे आपका ये डॉक्यूमेंट आपको दिख रहा है पूरा। ठीक है, इस डॉक्यूमेंट में आप ये रिव्यू वाला ऑप्शन यूज़ कैसे होता है इसको हम लोग देखते हैं। ये बहुत ही सिंपल ऑप्शन है। जैसे आपको स्पेलिंग एंड ग्रामर, इसका जो पहला ऑप्शन है दैट इज़ द स्पेलिंग एंड ग्रामर। ठीक है, इसमें आप यहाँ पे क्लिक करिए तो आपको पूरे डॉक्यूमेंट में कहीं भी, जैसे आपने कोई स्पेलिंग, मान ली हम लोग पहले एक स्पेलिंग गलत कर देते हैं, जैसे ये इलेक्ट्रॉनिक लिखा है, ये हम कर देते हैं इलेक्ट्रॉनिक, कुछ ऐसा स्पेलिंग लिख देते हैं इसका। ठीक है, ये गलत लिख दिया हमने। अब जनरली तो ये रेड लाइन शो करता है कि आपका जो डॉक्यूमेंट में ये स्पेलिंग गलत है, लेकिन आप स्पेलिंग एंड ग्रामर में जा करके कोई भी सिलेक्टेड, जितना भी आपने सेलेक्ट करा है, तो आप उस सिलेक्टेड आइटम को देख सकते हैं जा करके कि वो गलत है या सही है। तो आप चाहे तो पूरे डॉक्यूमेंट को देख सकते हैं। इसको जस्ट क्लिक करिए। आप जब इसको क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर अब दे रहा है इलेक्ट्रॉनिक में सजेशन दे रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिका, जो आपको डालना है वो आप यहाँ से डाल सकते हैं। अगर हमने इलेक्ट्रॉनिक्स करा तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिका करा तो इलेक्ट्रॉनिका हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉनिक करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा। ये यहाँ पर, और इसको अब हमने यहाँ पर चेंज करना है। फिर चेंज पे हम क्लिक करेंगे। अगर चेंज ऑल करेंगे तो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक लिखे हैं सब में ही चेंज हो जाएगा। तो जस्ट चेंज इट। अब इसको क्लोज कर दिया। अब यहाँ पर अगर हम आ करके देखेंगे तो ये देखिए, यहाँ पर हमने इलेक्ट्रॉनिक की स्पेलिंग गलत करी थी, उसको कर दिया इसने। इसी तरीके से पूरे डॉक्यूमेंट में कहीं पर भी जहाँ भी गलतियाँ हैं उसको ये सिलेक्ट करके आपको बता देगा पूरे डॉक्यूमेंट में जहाँ पे भी जो भी प्रॉब्लम्स है। ठीक है, किसी सेंटेंस पर आपको जैसे जाना है, जैसे ये कंप्यूटर परफॉर्मेंस लिखा हुआ है, ये बता रहा है कि ये कंप्यूटर्स परफॉर्म होना चाहिए, सजेशंस दे रहा है। फिर आप नेक्स्ट करिए, नेक्स्ट सेंटेंस डिजिटल कंप्यूटर ऐसे लिखा हुआ है, इसमें एक ये होना चाहिए, तो आप यहाँ पर कर सकते हैं चेंज करके, वो एक कर देगा, एक कोलन लगाएगा। फिर यहाँ पर दे रहा है ये ऑफ कंप्यूटर दिख रहा है यहाँ पर, तो ये ऑफ कंप्यूटर और ऑफ और कंप्यूटर के बीच में स्पेस होना चाहिए, तो ये आपको चेंज कर देंगे। इग्नोर करना है तो आप इग्नोर भी कर सकते हैं, जैसे लिखा है ऐसे ही हम चाहते हैं, तो आप इसको इग्नोर पर क्लिक करेंगे तो ये फिर चेंज नहीं करेगा। जैसे यहाँ पर लिखा है टाइप्स ऑफ डिजिटल, इस पूरे सेंटेंस में फ्रेगमेंट एंड कंसीडर रिवाइजिंग है, इसको आप क्लिक कर देंगे तो ये यहाँ पर देखिए ये क्यों दे रहा है, क्योंकि इस पूरे में ये ग्रीन लाइन दे रहा है, तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं से ग्रामेटिकली कोई एरर है इसमें। तो अगर आप इसको रिवाइज करना चाहते हैं तो यहाँ पर जाकर रिवाइज कर दिए। ये एरर इसलिए इसमें आ रहा है कि यहाँ पर इंटर किया गया है, अगर हम इसको इंटर हटा देंगे तो ये एरर आपका जो भी दिखा रहा है, जो यहाँ से जैसे यहाँ मल्टी कंप्यूटर्स होना चाहिए, माइक्रो कंप्यूटर्स होना चाहिए, माइक्रो अलग लिखा है, कंप्यूटर अलग लिखा है, एक साथ होना चाहिए, तो हमने कहा माइक्रो कंप्यूटर, चेंज कर दिया।
इस तरह से आप पूरे डॉक्यूमेंट में, जब पूरा डॉक्यूमेंट बहुत बड़ा होता है तो उसमें बहुत सारी स्पेलिंग एरर्स वगैरह हो जाती हैं, तो उन एरर्स को, जैसे अब यहाँ पे वॉल्स लिखा हुआ है, इसकी सही स्पेलिंग हमें नहीं पता है, तो हम स्पेलिंग एंड ग्रामर में जाएंगे, यहाँ लिखा है वॉल्स एंड ट्यूब्स, तो आप वाल्व्स करना है, वोल्वोस करना है, वोल्स करना है, इवोल्व्स करना है, सारे उसके रिले यहाँ पर देखिए सजेस्टेड यहाँ पर आ गया, सजेशन आ गया, ठीक है, ये सजेशन यहाँ पर आ गया। तो इसको हम इस तरीके से यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, हमने कहा हमें वाल्व्स लिखना है, तो यहाँ पे देखिए वाल्व्स हो गया, यस कर दिया, ओके। तो इस तरह से आप इस स्पेलिंग एंड ग्रामर वाले सेक्शन से जा करके आप ये स्पेलिंग एंड ग्रामर वाले पे क्लिक करके आप पूरे डॉक्यूमेंट की स्पेलिंग और ग्रामर चेक कर सकते हैं। दूसरा है यहाँ पर रिसर्च में, आपको कहीं कोई रिसर्च करना है, मतलब पूरा रिसर्च का मतलब है डॉक्यूमेंट पे कहीं कोई रिसर्च करना है, तो ये पूरे डॉक्यूमेंट के लिए यहाँ पर आपको इधर रिसर्च वर्क खोल के दे देगा कि क्या आप रिसर्च कर रहे हैं, किस चीज़ के लिए। तो आपने जैसे यहाँ पर कोई भी वर्ड लिखा, जैसे आपने कहा लेबल्स लिखा है, इंटर कर दिया, तो ये जो इसमें इंटरनल सेटिंग है वो तो आ जाएगी, लेकिन ये इंटरनेट से कनेक्ट करेगा और पूछेगा आपको क्या रिसर्च करना है। जैसे यहाँ पर लिखा है एनी, ठीक है, यहाँ पे एंड कंडक्टर होना चाहिए, तो ये एनी इंडक्टर लिखा हुआ है, इसको भी हम चेंज कर सकते हैं अगर इसमें होगा, तो जैसे एंड इंडक्टर लिखा है, एंड इंडक्टर होना चाहिए। इसी तरीके से ये थेसौरस है, थेसौरस में किसी भी, जैसे यहाँ सेमीकंडक्टर है, इसके और क्या अच्छा वर्ड हो सकता है, वो थेसौरस में आ जाएगा, यानी कि सिनोनिम टाइप का। जैसे यहाँ पर हमने कहा थेसौरस है, किसी भी वर्ड का थेसौरस, जैसे टर्मिनल का है, टर्मिनल का थेसौरस देख लेते हैं, या सेमी कंडक्टर का देख लेते हैं, तो ये यहाँ पर सजेशंस आ जाते हैं, अभी इस समय नहीं आ रहा है, जनरली सजेशंस आ जाते हैं। किसी और वर्ड का देख लेते हैं, जैसे ये कंपोनेंट लिखा हुआ है, यहाँ थेसौरस पे हमने क्लिक करा, देखिए कंपोनेंट में कई सारा यहाँ पर आ गया, ये इसको हम दिखाना चाह रहे थे आपको। जैसे अब यहाँ पर आप कंपोनेंट्स का कोई और वर्ड भी लिखना चाहते हैं, तो यहाँ पे वर्किंग है, मशीनरी है, तो आप मशीनरी गियर्स है, गियर्स डालना चाहते हैं, तो जस्ट इन लेटर्स पे आप देखिए यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे और इंसर्ट कर देंगे, तो इस कंपोनेंट की जगह पर ये आ जाएगा, देखिए गियर्स आ गया, यहाँ पे अभी कंपोनेंट था लेकिन हमने गियर करा तो गियर आ गया, हम कंट्रोल जेड कर देते हैं तो फिर से वापस कंपोनेंट आ जाएगा। ऐसे ये प्रोवाइड है, प्रोवाइड के लिए अगर थेसोरस में हम क्लिक करें तो प्रोवाइड में डिलीवर लिख सकते हैं, ऑफर लिख सकते हैं, तो यहाँ पे इसको इंसर्ट करने के लिए क्या है तरीका, क्लिक करेंगे या इंसर्ट कर लेंगे, या कॉपी भी कर सकते हैं, कॉपी करके पेस्ट कर देंगे, इंसर्ट भी कर सकते हैं, यहाँ से इंसर्ट कर लेंगे, तो ये देखिए यहाँ पे डिलीवर लिख गया, ठीक है। तो ये थेसौरस का यूज़ है, थेसौरस में आपको इसी से रिलेटेड, और जैसे ऑपरेटिंग है, अब ऑपरेटिंग के और कौन से वर्ड्स हो सकते हैं, नोन है, नोन के और कौन से वर्ड्स हो सकते हैं, जस्ट सेलेक्ट करना है और थेसौरस पे क्लिक करना है, तो नोन के डिस्टिंग्विश, सी, टेल, रिकॉग्नाइज, अब यहाँ पर ये देखिए लेफ्ट वाले पे, राइट पेन में दिख रहा है आपको, ये इसको हम समझा रहे थे आपको, ये वाला पूरा, ठीक है, ये इधर वाला, तो ये क्लियर हो गया आपको। थेसौरस पूरे डॉक्यूमेंट में कितने वर्ड हैं, कितने पैराग्राफ हैं, कितने लाइन हैं, वो हम यहाँ से काउंट कर सकते हैं, आप जस्ट क्लिक करिए, ये बता देगा इसमें पूरे 118 पेजेस हैं इस डॉक्यूमेंट में, नहीं कि जो फाइल खुली है इसमें 118 पेजेस है, टोटल वर्ड इतने हैं, टोटल कैरेक्टर नो स्पेस, कैरेक्टर विद स्पेस, पैराग्राफ, लाइन्स। किसी सिलेक्टेड एरिया का भी हम स्टैटिस्टिक्स निकाल सकते हैं, लाइक जैसे हम इसी को क्लिक कर लेते हैं यहीं पर, ये सिलेक्ट कर लिया और वर्ड काउंट कर दिया, तो ये बता रहा है कि ये पेज नंबर 1 है, इसमें टोटल 24 वर्ड्स हैं, ये सिर्फ इतने का दे रहा है जितना आपका, ये हमने सिर्फ इतने का वर्ड काउंट, इसको सेलेक्ट करना है आपको, सेलेक्ट करना है, और सेलेक्ट करके आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है वर्ड काउंट पे, ठीक है, तो आपका ये डायलॉग बॉक्स सामने आ जाएगा, तो इसमें दे रहा है पेज नंबर 1, 1 पेज पर है, किसी भी पेज पर आप जाएंगे, जैसे मान लीजिए कि हम किसी रैंडम इस पेज पर आ गए, यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया और इस पर आप क्लिक कर देंगे वर्ड काउंट पर, यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम कहाँ पर जाएंगे, वर्ड काउंट पर, ठीक है,
वर्ड काउंट पर हम आ गए, क्लिक करेंगे, आपको बता देगा पेज नंबर वन है, सॉरी पेज नंबर, इट इज़ नॉट पेज नंबर वन, मतलब टोटल नंबर ऑफ पेज जहाँ पे सेलेक्ट करा है ये एक पेज का दे रहा है, एक पेज पर है, पेज नंबर नहीं देता, ये देता है एक पेज का है, टोटल वर्ड इसमें 37 है, कैरेक्टर पैराग्राफ सब यहाँ पर दे देता है। तो ये बहुत ही अच्छा है स्टैटिस्टिक्स जानने के लिए, किसी भी पेज में, किसी भी फाइल में, डॉक्यूमेंट में कितने नंबर ऑफ किस पेज पर कितने वर्ड्स हैं। जैसे इसमें यहाँ पर हम ऐसे ही बिना सेलेक्ट करे करेंगे तो बता देगा टोटल पेजेस 118 हैं, और अगर हम सेलेक्ट करेंगे तो जहाँ पर जैसे सेलेक्ट करा तो पेज एक ही रहेगा, हमेशा पेज वन रहेगा, वर्ड 31 हो जाएंगे, कैरेक्टर 150 पैराग्राफ 1 लाइन 4, चार लाइनें 1 2 3 4, काउंट भी कर सकते हैं आप देख रहे हैं सामने। तो ये हो गया हमारा वर्ड काउंट, ठीक है। अपने डॉक्यूमेंट को किसी भी लैंग्वेज में आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, तो ट्रांसलेट करने के लिए आप मराठी गुजराती, ये नेट से कनेक्टेड रहेगा तब ये फीचर सामने आएगा, और अपनी लैंग्वेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी लैंग्वेज आप सिलेक्ट, जैसे आप इस पर क्लिक करिए ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट, तो ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट बताया गया यहाँ पे किस में, ट्रांसलेट टू अफ्रीकन्स, अब हमने कहा अफ्रीकन्स में कन्वर्ट कर दो, ओके कर दिया। तो वर्ड इज़ अबाउट टू सेंड द डॉक्यूमेंट फॉर ट्रांसलेशन टू द इंटरनेट इन इनक्रिप्टेड एचटीएमएल फॉर्मेट, तो ये फॉर्मेट में भेज देगा, फिर वो ट्रांसलेट करके यहाँ पर वापस आ जाएगा, लेकिन हम इसको नहीं भेज रहे क्योंकि ये थोड़ा रिस्की होता है, नेट पे नहीं भेजना चाहिए, डू नॉट सेंड कर दिया, सेंड करते तो ये कन्वर्ट हो जाता है अफ्रीकन्स में। तो किसी भी लैंग्वेज में आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, और अपनी कोई भी लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं यहाँ से, लैंग्वेज प्रेफरेंसेस, तो डिफरेंट लैंग्वेजेस होती हैं, जनरली यूएस इंग्लिश इंस्टॉल्ड रहती है इसलिए यही मिलता है हमें कंप्यूटर पे, और इंटरनेशनल जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश है इसलिए ये एक्सेप्टेबल होती है। तो इन दोनों ऑप्शन को हम, आप इतना ही समझिए, इसको चेंज करने की कोई ज़रूरत एज सच नहीं है, क्लियर है। ओके, न्यू कमेंट, जैसा किसी भी पैराग्राफ में मान लीजिए यहाँ पे हमको कोई कमेंट इंसर्ट करना है, ये न्यू कमेंट, इस पर क्लिक करिए, यहाँ पे न्यू कमेंट आ जाएगा, यहाँ पर हमने कुछ टाइप से आपको टाइप करना है, मान लीजिए OMR लिखा हुआ है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं इट इज़ कुछ भी कमेंट में, आप एनीथिंग टाइप एनीथिंग इनटू द कमेंट बॉक्स, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं तो आपको दिखाई पड़ने लगेगा। ये नॉन प्रिंटिंग फीचर होता है, आप प्रिंट करेंगे तो ये रेड कलर की लाइन या ये कमेंट नहीं आएगा, ठीक है। आप और कमेंट इंसर्ट करना चाहते हैं, हमने यहाँ इंसर्ट करा है, मान लीजिए यहाँ पर इंसर्ट करें न्यू कमेंट, यहाँ पे भी टाइप एनीथिंग, कहीं पर भी पूरे में आप कमेंट इंसर्ट कर सकते हैं किसी चीज़ के लिए, जैसे इसके लिए डाइट लिखा हुआ है यहाँ पर, कमेंट हमने लिख दिया, कुछ भी टाइप एनीथिंग, कोई कमेंट लिखना चाहते हैं, कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, जैसे नोट लगा देते हैं आप, एक पेज लगा देते हैं, फिर कमेंट कमेंट टू कमेंट मूव करना है तो उसके लिए हमें ये, जैसे न्यू कमेंट के लिए तो ये है आपका डॉग फीचर, ठीक है, फॉर न्यू कमेंट क्लिक ऑन दिस फॉर न्यू कमेंट, ओके न्यू कमेंट के लिए, प्रीवियस कमेंट पे जाना है तो क्लिक कर देंगे हम, प्रीवियस कमेंट पे चले जाएंगे, यहाँ से नेक्स्ट पे जाएंगे, नेक्स्ट पे जाना है तो नेक्स्ट पे चले जाएंगे। डू यू वॉन्ट टू कंटिन्यू सर्चिंग फ्रॉम बिगनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, बिगनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट में चले जाएंगे, नेक्स्ट करेंगे नेक्स्ट कमेंट पर आ जाएगा, कमेंट टू कमेंट मूव करना है, प्रीवियस पे जाएंगे, यहाँ से कमेंट टू कमेंट मूव कर सकते हैं आप, ठीक है। इस कमेंट में, कमेंट के लिए एक और लिंक होता है, कमेंट लिंक जिसको कहते हैं, सेलेक्ट करिए किसी भी कमेंट को, यहाँ इंक कमेंट, कमेंट पे कुछ आप लिख सकते हैं इस पेन के ज़रिए, ये जो पेन आप दिख रहा है यहाँ पर, इस पेन के ज़रिए यहाँ पर पेन सेलेक्ट हो जाएगा, टाइप एनीथिंग, आप कुछ भी यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं, ओके। इसको यहाँ पर ये जो फीचर आपको दिख रहा है बटन एक्सेप्ट, तो आप क्लिक कर देंगे तो एक्सेप्ट हो जाएगा, ये इंटर नहीं होगा, इसमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तो ये बता रहा है इसी का कुछ पार्ट, जो भी आपको वर्क करना हो इसका आप वर्क कर सकते हैं। रिजेक्ट करना है जस्ट क्लिक ऑन रिजेक्ट तो रिजेक्ट हो जाएगा, एक्सेप्ट करना है जस्ट क्लिक ऑन एक्सेप्ट तो एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। प्रीवियस पे जाना है तो प्रीवियस, नेक्स्ट पे जाना है तो आप नेक्स्ट, ये कमेंट टू कमेंट मूव कर सकते हैं, लिंक कमेंट आपको डालना है कहीं, ठीक है, जैसे यहाँ इंक कमेंट डालना है, लिंक कमेंट नहीं इंक कमेंट कहते हैं इसको, ठीक है। तो इंक कमेंट आप कितने भी डाल सकते हैं, 2 3 4 5 जितने भी आपको डालना है, जैसे यहाँ पर ये पेन ले लिया हमने और पेन पे यहाँ पर इसमें कर दिया, ये वाले पे क्लिक करके इसमें ये लिख दिया, इसमें आकर के हमने ऐसे ऐसे लिख दिया, कुछ भी जो भी आपको टाइप करना है, एक्सेप्ट करेंगे तो ये तीनों एक्सेप्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो और कमेंट टू कमेंट आपको
मूव करना है तो नेक्स्ट कमेंट पे आ जाएंगे, प्रीवियस नेक्स्ट। यू कैन मूव ऑन द कमेंट विद द हेल्प ऑफ प्रीवियस एंड नेक्स्ट। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपको पता होना चाहिए कमेंट होता क्या है। तो आपने कमेंट किसी भी आप जो टाइपिंग कर रहे होते हैं उसमें कोई लाइन ऐसी आ गई है जिसका आप कोई डिस्कशन या कोई डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं, उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। फिर नेक्स्ट और प्रीवियस पे आप यहाँ से भी जा सकते हैं और इन बटन से भी जा सकते हैं, ठीक है, ये इनसे, और यहाँ पे नेक्स्ट और प्रीवियस इससे भी जा सकते हैं आप, ठीक है। बाकी आप चेंज, ये है आपका ट्रैक, इसमें भी आप क्लियर कर सकते हैं। तो जहाँ पर आपने कमेंट लगाया है वो कमेंट हमने कहीं एक पेज पे लगा दिया है, अब आप कहीं किसी भी पेज पे मूव कर सकते हैं, वो कमेंट रहेंगे ऑलवेज़। हम डॉक्यूमेंट को सेव करके ओपन करेंगे तब भी कमेंट रहेंगे। ट्रैक चेंज, ट्रैक चेंज क्या होता है? ट्रैक चेंज जो है, जितने भी आपने जो भी फॉर्मेटिंग्स वगैरह करी हैं, जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पर अभी इसको हम बोल्ड कर देते हैं, इसको हमने इटैलिक कर दिया और इसको हमने से अंडरलाइन कर दिया, और इस तरह से हमने बहुत जगह कुछ ना कुछ अभी फॉर्मेटिंग करी है आज। तो जस्ट ट्रैक चेंज में हम क्लिक करेंगे और ट्रैक चेंज पे क्लिक करेंगे तो ये बताएगा कि आपने कहाँ कहाँ फॉर्मेटिंग को परफॉर्म करा है, ठीक है। क्लिक करिए, सेलेक्ट कर लीजिए और ट्रैक, एक सेकेंड, चेंज ट्रैक चेंज, जैसे हम एक तो यहाँ पर आप ट्रैक चेंज को ऐसे समझ सकते हैं, जैसे आपने यहाँ ट्रैक चेंज हमने ऑन कर दिया है, ये एक्टिवेट मोड में है, इसको देखिए ये डीएक्टिवेट मोड में हो गया। इसको ध्यान से देखिए, ये बटन का काम करता है, अभी अभी ये डीएक्टिवेटेड है। अभी हम देखिए यहाँ पे क्लिक करके इस पर क्लिक कर देंगे तो अब देखिए ये एक्टिवेटेड मोड में दिख रहा है, जैसे बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन। अब हम कोई भी फॉर्मेटिंग करेंगे, कौन सी फॉर्मेटिंग, बोल्ड इटैलिक या इंसर्ट करेंगे अगर, तो जैसे हमने इसको करा बोल्ड, तो देखिए यहाँ पे लिख दिया फॉर्मेटेड फॉन्ट बोल्ड। यहाँ पर हमने फॉन्ट को सिलेक्ट करा और थोड़ा सा इसका साइज़ इंक्रीज़ कर दिया, तो लिख रहा है फॉर्मेटेड फॉन्ट 19 पॉइंट को इसको हमने, अब यहाँ पर हमने इसको अंडरलाइन कर दिया तो ये बता रहा है अंडरलाइन। तो फॉन्ट बोल्ड अंडरलाइन, कहाँ कहाँ पर आपने क्या क्या फॉर्मेटिंग अप्लाई करी है, ट्रैक चेंज को ऑन कर देंगे वहाँ वहाँ बताते जाएगा यहाँ यहाँ आपने फॉर्मेटिंग को अप्लाई करा है, ठीक है। कोई भी यहाँ पर जैसे आपने करा, यदि हम इसको बोल्ड करा तो लिख देगा बोल्ड। यहाँ पर आपने कुछ इंसर्ट करा तो देखिए ये यहाँ पर इंसर्ट बता रहा है, ये बता रहा है कि यहाँ पर आपने ये आपने इंसर्ट करा है न्यू, ठीक है। इसको आपने इतना अंडरलाइन करा तो यहाँ पर बता देगा अंडरलाइन, और यहाँ पर एक मार्क भी बना रहा है। इस मार्क को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये मार्क आपको दिखा रहा है, दो बार्स दिखा रहा है, वर्टिकल बार्स, ये शो कर रहा है कि यहाँ यहाँ फॉर्मेटिंग हुई है इस लाइन पर, देख करके आप समझ सकते हैं। इसको आपने ऑफ कर दिया, ठीक है, इसको आप छोटा कर दीजिए तो आप यहाँ पर जैसे ये देखिए ये वाला पेज है, ये देखिए यहाँ पर दिखा रहा है कि ये आपका बार शो कर रहा है कि इस लाइन में आपने फॉर्मेटिंग परफॉर्म करी है। तो कुछ भी आप इंसर्ट कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, फॉर्मेट कर रहे हैं, फॉन्ट को इंक्रीज डिक्रीज कर रहे हैं, वो यहाँ पर शो कर देगा। तो ये होता है आपका ट्रैक चेंज, ये ऑन ऑफ बटन टाइप का होता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो भी आपने काम करें उसको अगर फाइनल हो गया है तो शो, जैसे कमेंट आप शो कमेंट, इंसर्शन डिलीशन सब शो कर रहा है, जो आपको शो करना है वो आप शो करा लीजिए, नहीं शो करना है तो आप ये सारे यहाँ से ऑफ भी कर सकते हैं। शो मार्कअप, ये देखिए एक एक करके आप ऑफ कर दीजिए, सारे ऑफ हो जाएंगे, देखिए ऑफ हो गए, हमने सब ऑन करे थे सब ऑफ हो गए, तब हमको दिखेंगे भी नहीं कमेंट के कहाँ पर कमेंट हमने लगाए थे, ठीक है। शो कराना हो तो कमेंट आप सारे कमेंट शो होने लगेंगे, जैसे इसको हम छोटा कर दें, ध्यान से अगर आपको पूरे में दिख रहा हो तो हम कमेंट यहाँ से अगर हटा दें तो ये देखिए ये रेड वाला जो है ये हट जाएगा, यहाँ से हट गया कमेंट अब कहीं नहीं दिख रहा है,
जैसे ही हम शो मार्कअप में कमेंट करेंगे, जहाँ जिस पेज पे कमेंट लगा था वो कमेंट यहाँ पे दिखने लगा, और जिस पेज पे हमने फॉर्मेटिंग करी थी, इंक लगाया था, वो इंक भी यहाँ पर दिखने लगे, इंक आ गए। और जब हमने इंसर्शन और डिलीशन करा था, वो इंसर्शन और डिलीशन भी बताने लगेगा पेज पे। और जो फॉर्मेटिंग परफॉर्म करी थी, वो फॉर्मेटिंग भी बता, ये देखिए यहाँ पर बता रहा है, इस पेज को देखिए, दिख रहा है रेड कलर, छोटा इसीलिए हमने कर दिया कि आपको समझ में आ जाए, और जितने भी मार्कअप वो हाईलाइटेड है, ठीक है। तो इस तरीके से करके आप कर सकते हैं इसे, एक्सेप्ट, रिजेक्ट, फाइनल। आपको ओरिजिनल शो मार्कअप है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम गए, इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर दे रहे हैं, जैसे ये यहाँ पर हैं अभी आप, ठीक है। यहाँ पे हमने कहा ये ऑप्शन जो है, दिस फाइनल शो मार्कअप, इस पर क्लिक करिए, फाइनल कर देंगे तो यही डॉक्यूमेंट आपका फाइनल हो जाएगा। ओरिजिनल शो मार्कअप जो ओरिजिनल था आपका, वो ऐसे आ जाएगा बिना उसके फॉर्मेटिंग के। और फाइनल शो मार्कअप, फाइनल शो में जिसमें हमने बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करा था, उसी को अगर आप फाइनल कर देंगे तो फाइनल हो जाएगा वो डॉक्यूमेंट। फाइनल कर देंगे तो जस्ट वो विथ फॉर्मेटिंग वो फाइनल हो गया, ठीक है। बाकी आप प्रीवियस नेक्स्ट पे जा सकते हैं, शो ऑल कमेंट्स, प्रीवियस नेक्स्ट, प्रीवियस पे जाना है तो आपको प्रीवियस पे चले जाएंगे। ये सारा नेविगेशन के लिए है। ओके, फिर आप किसी भी एरिया में चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर कोई एरिया है, जैसे आप चाह रहे हैं कि मान लीजिए कि कोई एक एरिया ले लेते हैं, ये इतनी दूर में कोई फॉर्मेटिंग परफॉर्म ना हो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। अब रेस्ट्रिक्टेड, रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे फॉर्मेटिंग रिस्ट्रिक्शन, लिमिट फॉर्मेटिंग टू अ सिलेक्शन ऑफ स्टाइल, यहाँ पे स्टाइल इसका चेंज नहीं कर सकते हैं। एडिटिंग रिस्ट्रिक्शन में क्या है, अलाउ ओनली दिस टाइप ऑफ एडिटिंग इन द डॉक्यूमेंट, इसी तरह की जो एडिटिंग है वही अलाउ करेगा। और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि ये किसके लिए, आप शो ऑल रीजन दिस यूज़र, खैर एवरीवन करके यहाँ पर करेंगे, यस स्टार्ट इन्फोर्सिंग प्रोटेक्शन, ओके कर दिया। यहाँ पासवर्ड पूछेगा, आप कोई भी पासवर्ड दे दिया हमने, यहाँ पर कंफर्म करेगा पासवर्ड, कंफर्म करा दीजिए, द पासवर्ड कंफर्मेशन डज नॉट मैच, अच्छा डज नॉट मैच, आप पासवर्ड संभाल के देंगे, जो ऊपर दिया वही नीचे होगा, नहीं तो यही मैसेज आएगा, ओके कर दिया, पासवर्ड मैच आ गया, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पर हमने इसको क्लोज कर दिया। अब आप देखिए ध्यान से कि किसी भी एरिया में, जैसे ये एरिया है, अब इस एरिया पे आप इसको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन हम सब परफॉर्म कर रहे हैं यहाँ पर, जैसे ही देखिए सारा डीएक्टिवेट हो गया, जैसे ही आप यहाँ पर इसके, ये पूरा डॉक्यूमेंट डीएक्टिवेटेड हो गया, ठीक है। ये यहाँ पर उसमें हम कहीं पर भी, क्योंकि हमने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, तो पास, अब यहाँ पे स्टॉप प्रोटेक्शन करें, कहीं भी कोई भी हम काम देखिए, ये सब डीएक्टिवेटेड होगा, कोई फॉर्मेटिंग हम परफॉर्म कर ही नहीं पाएंगे इसमें, क्योंकि हमारा डॉक्यूमेंट जो है वो क्या हो गया, प्रोटेक्टेड हो गया। तो यहाँ पे हमने कहा स्टॉप प्रोटेक्शन, स्टॉप प्रोटेक्शन करेंगे, पासवर्ड मांगेगा, 4, ये आ गया हमारा। अब हम फॉर्मेटिंग देखिए, सब अब बोल्ड भी कर लीजिए, इटैलिक भी कर लीजिए, अंडरलाइन भी कर लीजिए, तो ये हो गया रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। इट इज़ ऑल अबाउट रिव्यू ऑप्शन, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, इसको आप लोग करके प्रैक्टिकल ज़रूर करिए, जो नहीं समझ में आएगा फिर आप पूछ लेंगे। ओके, टिल देन गुड बाय।